नमस्कार, मैं शरद कुमार। पिन एंड पॉइंट के आज के इस एपिसोड में हम विवेचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है, वहीं बाकी बची सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो 5 किलोमीटर लंबा है। वहीं पीएम मोदी के रोड शो को लेकर देश भर से लोग वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी की सड़कों पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपना रोड शो शुरू किया है। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट चौराहे से शुरू हो गया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने BHU के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर समाप्त होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए बड़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न राज्यों से लोग वाराणसी पहुंचे हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद मंगलवार सुबह 11:40 पर प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है और रोड शो के बाद वे रात में वाराणसी ही रहेंगे। अगले दिन मंगलवार सुबह 10:15 काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद 10:45 पर NDA नेताओं के साथ एक बैठक और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, साथ ही सियासी माहौल को टटोलेंगे। PM 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद 12:15 पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। ये तो थी अब तक की कहानी। इससे आगे क्यों पीएम ने कल का दिन ही नामांकन के लिए चुना, इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तीर्थ नगरी पुष्कर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीज। वे बता रहे हैं इस दिन में क्या कुछ शुभ और खास योग है जिससे प्रधानमंत्री नामांकन मंगलवार को करने जा रहे हैं। 13 मई 2024 सोमवार को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जो रोड शो 13 मई 2024 को करेंगे, ऐसा ज्योतिष और पंचांग और वेद ये बता रहा है कि उस दिन 11:24 से एक योग जो पुख्य नक्षत्र नाम का जो योग है, जो 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है और इस नक्षत्र में जो भी कोई कार्य किए जाते हैं वो निश्चित सफलता की ओर जाते हैं और उसमें आगे जो है भविष्य भी उन्नति कारक योग बनता है। ये स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से कहा है कि जो पुख्य नक्षत्र में कार्य करेगा उसका कार्य सफल होगा। 13 मई 2024 सोमवार को ये 11:24 पर जो पुख्य नक्षत्र चालू होगा, 14 मई 2024 मंगलवार को दोपहर 1:05 तक ये रहेगा। ये तकरीबन 25-26 घंटे का ये योग है जो सर्वश्रेष्ठ योग है और 13 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और 14 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्धि योग इसमें श्रेष्ठ योग बन रहा है। उस दिन मंगल पुख्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है, इसलिए मंगल पुख्य नक्षत्र होता है तो उसमें आनंद योग भी समाहित हो जाता है। ये योग बताता है कि नरेंद्र मोदी के राशि वृश्चिक है, स्वामी उनका मंगल है और ऐसा ज्योतिष की गणना के आधार से ये योग बन रहा है कि शनि का ग्रह उनका चौथे घर में स्वराशि के ऊपर विद्यमान है। ऐसा कहते हैं कि चौथा घर सुख साधन और संपन्नता का और वैभव का और यशस्वी योग बनाता है, तो उनका शनि चौथा होना सर्वश्रेष्ठ योग है। मंगल उनका पांचवें घर में है जो बुद्धि को प्रखर करता है और ओजस्वी वाणी के अनुसार वो योग श्रेष्ठ योग बनाता है।
राहु का भी उसके साथ में योग है तो वो शत्रु को समन करता है। बुध और शुक्र का जो ग्रह है नरेंद्र भाई के लिए छठे घर में है जो शत्रु पक्ष को परास्त करता है, अशांति को दूर करता है और जीवन में सुख और समृद्धि करता है। सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो बृहस्पति का जो ग्रह है जो सभी ग्रहों का राजा है और सभी देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी महाराज सूर्य के साथ में सातवें घर में सप्तम भाव उन्नति का होता है और वह यशस्वी और पराक्रमी योग बनाता है। उसमें विद्यमान है गुरु और सूर्य जो निश्चित सफलता की ओर ले जाते हैं। केतु का एकादश भाव में होना भारतवर्ष के लिए श्रेष्ठतम योग बना रहा है। तो ये 14 मई मंगलवार को जो कोतवाल जो उज्जैन नगरी के सबसे बड़े जो कोतवाल हैं भैरू बाबा वहां के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नामांकन करेंगे वो तो मंगलवार का और 14 मई का योग सर्वश्रेष्ठ योग है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, उस दिन मंगलकारी योग है, उस दिन आनंदकारी योग भी है और ऐसा कहते हैं कि मंगलवार और पुख्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में जो नामांकन किया जाता है तो निश्चित सफलता का योग आता है और उसमें आनंद योग का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन का 14 मई का ज्योतिष बताती है कि भागीरथ जो ऋषि थे उन्होंने गंगा का अवतरण किया। यहाँ पृथ्वी पर जो गंगा मैया आई है वो इसी दिन आई थी। इस दिन सप्तमी को सप्तमी और मंगलवार को गंगा सप्तमी भी है। ये सारे श्रेष्ठ योग ये बताते हैं कि नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी के लिए, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित जीत का योग बनाते हैं। और ये जो 400 पार का जो आंकड़ा है ये निश्चित इन गणितीय ज्ञान से, ज्योतिष के ज्ञान से, ग्रहों के ज्ञान से योग बनता है कि ये निश्चित पूरा होगा और वापस राम राज्य की स्थापना होगी। नरेंद्र दास मोदी जी जो है वो निश्चित प्रधानमंत्री बनने को जा रहे हैं उनके ग्रहों के आंकलन से और पार्टी में विजयश्री मिलने का संकेत पूरा बन रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूँ शरद कुमार और आप देख रहे थे अजय मेरु एक्सप्रेस का डिजिटल स्वरूप। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।